डियर आईसीएसई एंड आईएएस 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, मेरे पास एक रिपोर्ट हाथ लगी जो छपी और इसको सीआईएससी ऑफिशियल या फिर सीआईएससी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो बातें बताई गई मैं स्क्रीन पर दिखला रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से स्टूडेंट को एक्सेल करने हैं पॉइंट बाई पॉइंट। इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है कि ऑफिशियल डेट सीआईएससी के द्वारा निकाल दिया गया कि फरवरी में एग्जामिनेशन शुरू होंगे और अप्रैल में कंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सीआईएससी अपने इस प्लान पर रिजिड है और इसके लिए उसने कई सारी तैयारियां शुरू कर दी है, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले की सारी तैयारियां हो गई, कॉपी को भेजना, उसके बाद स्टूडेंट से सारे उनके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स को कलेक्ट करना, इन सब के बीच में स्टडी स्ट्रेटेजी और कौन सी प्लानिंग को खुद सीआईएससी का अपनी अपने स्कूलों को या स्टूडेंट से शेयर करने के लिए ये बातें कही जाती है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है स्कूल के साथ साथ स्टूडेंट के से कि वे अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें। टाइम के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि जितना ज्यादा वे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टाइम देंगे स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और अब जबकि स्कूल से फ्री है स्टूडेंट, उनके सामने चैलेंज है कि कितना ज्यादा से ज्यादा कम समय में पढ़े, यानी कि स्मार्ट स्टडी करें, समय को बचाए और रिवीजन कर ले, इसी के साथ इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आप साइंस स्टडी करना चाह रहे हैं तो एक साधारण सब्जेक्ट ले ले, मतलब साइंस को डिफिकल्ट मान लिया जाता है कुछ स्टूडेंट के लिए या मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर हिंदी पेपर को पढ़ ले, हिस्ट्री पेपर को पढ़ ले, इंग्लिश को पढ़ ले, साधारण सब्जेक्ट के साथ बैलेंस करके टाइम को ऑर्गेनाइज करें। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट सुबह में 5 से 6 बजे जगना शुरू करे और सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। द मोर यू विल गेट डूइंग द हैंड ऑफ सेल्फ स्टडी द मोर यू विल गेट द मास इज अ ड्राइव फॉर्मूला जो कि यहाँ पर बताया गया है इस पावर प्रेजेंटेशन में। इसके बाद जो दूसरी बात बताई गई है कि स्टूडेंट को सैंपल पेपर जम के तैयारी करके सॉल्व करने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। तो यहाँ पर सीआईएससी ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर को जारी किया हुआ है, लेकिन वे ही एनफ नहीं होते हैं, इसके साथ अन्य सारे सैंपल पेपर की जरूरत पड़ती है। मैं ये जो उस्मान गुरुकुल का है 36 सैंपल पेपर 61 है, इसको मैं आपको दिखलाता हूँ कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है कि यह किस तरह से उपयोगी है, एरर फ्री है, शॉर्ट टू द आंसर है, लेकिन स्टूडेंट अपने स्टडी को मॉनिटर करने के साथ साथ यह देखें कि पीरियोडिकली उन्होंने कितना सैंपल पेपर बनाया और उसको रिवाइज किया। मैं अभी यह बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पर है और जिस समय बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक आपके पास हो जाएगा और आप कहेंगे कहीं नहीं स्कोर द 100% मार्क्स, यस इट विल बी बट यू हैव नॉट लेबर्ड हार्ड, तो वहां पर याद रखने है कि आपको अच्छे सैंपल पेपर से लगातार प्रैक्टिस करनी और राइटिंग स्किल को बना के रखना है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जिस तरह से पैटर्न है और क्वेश्चन के आंसर लिखने के तरीके हैं, वही ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को डील करने का नया अप्रोच बताया गया है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए टू द पॉइंट तैयारी करें, सब्जेक्टिव के लिए मार्क्स को अर्निंग करने के पीछे किस तरह से पॉइंट वाइज और सब पॉइंट वाइज आंसर को लिखे। यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें और नेसेसरी करेक्शन करने के साथ उन्हें रिपीट न करें। यह गलती होती है और इसको फोकस करने की जरूरत इस समय स्टूडेंट को है, यदि यह नहीं कर पाएंगे तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होने है। फिर सेकेंड पॉइंट जो बता रहा है कि आप अपने वीक जोन पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दें, एक नई टेक्निक है। पहले बताया जाता था कि वीक जोन पर आप कम स्टडी दें, लेकिन अभी मैंने पहले बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक इजी सब्जेक्ट, तो जिन सब्जेक्ट में आप वीक है उन पर ज्यादा मेहनत कीजिए। और इसको कैसे असेस करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक है, तो प्री बोर्ड हुए होंगे और उससे पहले हाफ ईयर भी एग्जामिनेशन हो गया, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन हुए होंगे, इसमें तो एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे कि कहां पर आप वीक है और कहां पर आपके फ्रिक्वेंट मार्क्स लॉस कर रहे हैं, उनको इंप्रूव करने के साथ साथ आप अपने आप को पॉइंट वाइज तैयारी करें। पॉइंट यदि अपने आप को कि कितने मार्क्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेक्निक है कि टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अपने रिजल्ट यानी प्रोडक्शन से कि कितना समय लगाएंगे और कितना मार्क्स को प्रोडक्शन कर पाएंगे, मतलब कि कितना मार्क्स के लिए आप तैयारी कर पा रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है कि मैक्सिमम समराइज और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट को भी ध्यान दे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ साथ अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाए, वीकनेस को लूज करने की कोशिश करें। अब है टेक अ पॉज व्हाइल यू आर स्टडी, हम लोग लगातार स्टडी करते हैं, कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सीआईएससी के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें
स्टूडेंट को ब्रेक लेने की जरूरत है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे एकाएक पढ़ने से स्टूडेंट का बर्डन बढ़ जा रहा है, मेंटल और फिजिकल प्रेशर ज्यादा होने के कारण एक्सर्शन होता है और हेल्थ लॉस के साथ अन्य सारे प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट को ये चैलेंज सिचुएशन अपनाना होगा और अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखने हैं 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज आप प्रतिदिन कर ले, एक्सरसाइज ना हुई हो तो डेली चहल जरूर ले, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ करने का मदद मिल जाएगा, मन मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आती है कि आप अपने रिवीजन नोट्स को जरूर बनाएं। रिवीजन इज अ मस्ट, और रिवीजन नोट्स बनाने का मतलब ये हो गया कि रिवाइज करें और जो कुछ भी रिवाइज किया है उसको समय के साथ लिखते जाए पॉइंट वाइज। एक दिन में यदि आप 5 सब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो इन 5 सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट का रिवाइज तो जरूर करते हैं और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लें, क्योंकि यह जरूरी होता है और इससे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो काफी इंप्रूव होते आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को जितने भी टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं वो काफी उपयोगी है, और इसके लिए स्टूडेंट अपने नोटबुक और टेक्स्टबुक के साथ अन्य सारे पॉइंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपका चैनल है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखिए।